तो खराब है। उसके लिए हमारी दो मीटिंग हो चुकी है। अभी पिछले हफ्ते भी एक हमारी मीटिंग चंडीगढ़ में हुई, हमारे कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा भी उसमें थे और कई विधायक कांग्रेस के भी थे। मूलचंद शर्मा जी की अध्यक्षता में वो मीटिंग हुई, उसमें कई एसीएस हमारे देवेंद्र जी और कई बड़े अधिकारी भी उसमें बैठे थे, एके सिंह भी। तो उसमें हमने यही सवाल उठाया कि जहां तक हरियाणा का भाग है, जहां यमुना बहती है, तो वो साफ है, पर जब जैसे ही दिल्ली में आती है तो यहाँ पे कई नाले, कई सीवर की कनेक्शन और कई केमिकल फैक्ट्रियों के और कई और नाले उसमें आकर गिर जाते हैं, तो यहाँ पर आकर वो दूषित हो जाती है। तो उसके लिए हमने एक आई फिर बुलाई, उसके लिए एक हम यहाँ जो 2G ब्रेड है उस पर एक प्रयोग करने जा रहे हैं, एक एजेंसी को हायर किया है, वो प्रयोग सफल हो जाता है तो फिर उसके बाद हम इसको बदरपुर बॉर्डर पे उसी तरह का एक प्रयोग करेंगे। क्योंकि उस कंपनी ने बताया कि हमने कई बाहर के विदेश के देशों में इस तरह की कैनाल नहरों को साफ किया है, तो वो प्रयोग हमारा जारी है और उम्मीद है कि हम जल्दी इस प्रयोग में कामयाब होंगे। क्योंकि अभी लास्ट मंगलवार को, पिछले मंगलवार को ही हमारी ये मीटिंग हुई थी, उसके बाद अभी अगले महीने फिर दोबारा से मीटिंग होगी, जिससे कि ये कैनाल का जो पानी हमारा आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल का पानी साफ हो सके। और वही ट्रैक्टर की बात भाई ने उठाई, तो ट्रैक्टर के लिए तो सरकार भी चाहती है कि 10 साल से ज्यादा समय मिले, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगाई है। और हम भी चाहते हैं कि हमारा किसान अगर खुशहाल होगा, क्यों मैं भी एक गांव से ही आता हूँ, मेरा गांव तिगांव है और मेरा परिवार भी, मेरे दादा परदादा, मेरे जो पापा के दादा थे, पिताजी के दादा थे, बारू बंधु डिप्टी कमिश्नर रहे अंग्रेजों के टाइम में, तो हमने भी किसानी की है, हमें भी पता है हमारे किसानों का, हमारे भाइयों का दर्द दुख क्या है। सरकार की बात करें तो हमारी सरकार ने जो 3 कानून थे वो भी वापस किए किसान के हित में, तो किसान को लगा कि ये ठीक नहीं है। अब आप देखेंगे MSP से भी ज्यादा भाव में आपका गेहूं बिक रहा है। ऑप्शन देखिए, MSP में भी चाहो MSP में बेच लो, बाहर बेचना चाहो तो बाहर भी बेच लो, तो आज 3,000 तक का भी रेट। और हम भी चाहते हैं कि अगर हमारी आपकी किसानों की आय दुगनी होगी, देश खुशहाल होगा। अभी भाई जी ने बताया कि श्रीलंका का हाल देखो, कई लोग सब चीज फ्री में बांटने में लग रहे हैं, बिजली दे दो, पानी दे दो और सुविधाएं दे दो फ्री में, तो वो श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। आज वहां क्या मारामारी हो रही है, अगर हम मेहनत करके नहीं कमाएंगे, सब चीज फ्री में हमें मिलेगी तो क्यों मेहनत करेंगे हम? तो ये अगर देश सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित है? अभी अफगानिस्तान में आपने देखा, वहां का प्रेसिडेंट ही बन गया, क्या अपना पूरा हाल हो गया वहां। तो देश को मजबूत करना है, देश की एकता को मजबूत करना है। अगर देश सुरक्षित नहीं है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस तरह की बातें पहले भी आती नहीं है, उस पर काम कर रही है हमारी सरकार, केंद्र सरकार भी, प्रदेश सरकार भी कर रही है। और व्यवस्था को संबोधित किया आदरणीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने लाइव टेलीकास्ट हुआ था, ऑनलाइन उन्होंने संबोधित किया था। तो संस्था ने बताया कि भारत के 75 साल आजादी के पूरे होने के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी संस्था अपने सभी प्रभागों में अनेक विशेष विशेष प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए बिल्कुल लास्ट लेवल तक पहुँचेगी, माना एकदम आम व्यक्ति तक पहुँचेगी, अधिकारी से लेकर नीचे तक। उसके तहत अपना जो कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग है, जिसके जोनल कोऑर्डिनेटर राजेंद्र जी हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं, एक अभियान लेकर हमारे बीच आए हैं, जिसमें हमने आपको निमंत्रित किया है। तो इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए और इसकी सफलता के लिए आपकी शुभाशीष की आवश्यकता है, राजेंद्र।